हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपके सामने इंट्रोडक्शंस एंड प्रिलिमिनर्स का कुछ क्वेश्चन था, जो कि मैं बहुत कोशिश किया हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों के बीच में इसके एक एक डिफरेंट को मैं आप लोगों के बीच में लाऊं। कई दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। इसका मीन ये नहीं कि मैं गैपिंग पर था, क्योंकि थोड़ा सा परिवार में कुछ कार्यक्रम चल रहा था और उसी से ये वीडियो में थोड़ा सा गैपिंग हो गया था। तो आज मैं स्टार्ट कर दिया हूँ पूरे अच्छे तरीके से। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि इसमें कुछ हेडिंग दे रखा है, अब लोग पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। इसमें दिया है वेलकम टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम इन काउंटरिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स वी विल प्रोबेबली फाइंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्वाइट डिफरेंट। यानी जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है उसका मीन क्या है आपको यहाँ देखने को अच्छे तरीके से मिल सकता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो मैं आपको दिखाने का पूरा प्रयास करता हूँ कि चीज़ कहना क्या चाहता है। देखिए, मतलब स्वागत है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। ये थोड़ा सा ट्रिक के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका ट्रिक क्या है। जैसे यू माइट नॉट इवन नो व्हाट डिस्क्रीट मैथ इज, होपली दिस शॉर्ट इंडक्शन विल सम लाइट ऑन व्हाट दिस सब्जेक्ट इज अबाउट, व्हाट यू कैन एक्सेप्ट आर यू मूव फॉरवर्ड इन योर स्टडीज, ठीक है। यानी ये क्या करता है कि जब आपकी स्टडी प्लान होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से मूव कराता है। मूव करने का मतलब कि अगर आप लो लेवल हैं तो आप हाई लेवल, और हाई लेवल हैं तो आपका लो लेवल। इस तरीके से लाइट का परफॉर्मेंस यहाँ पर है। अगर आपसे कोई स्टूडेंट अगर आपसे ये डिस्कस करना चाहे कि व्हाट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो आप ये कह सकते हो डिस्क्रीट मीन क्या होता है। वैसे तो ये शब्द से जो इसका वर्डनिश, जो इसका वर्ड डेफिनेट है, ये आपका एडजेक्टिव है। और इंडिविजुअली सेपरेट द डिस्टिंक्ट अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू सिनोनिम्स में सेपरेट होता है, डिटैच होता है, डिस्टिंक्ट होता है, और इसे अब्स्ट्रैक्ट के रूप में भी जानते हैं। और इसे डिफाइनिंग अगर करें तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज हार्ड बिकॉज डिफिनिट डिफाइनिंग ऑफ द मैथमेटिक्स इज हार्ड। व्हाट इज मैथमेटिक्स, द स्टडी ऑफ नंबर्स इन पार्ट बट यू आल्सो, ठीक है। डेफिनेशन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अगर आप देखेंगे तो इज हार्ड बिकॉज डिफिनिट ऑफ मैथमेटिक्स इज हार्ड। भैया गणित जो होता है बहुत कठिन सब्जेक्ट होती है, सबको पता है। और एक बात नोटिस कर लेना कि व्हाट इज मैथमेटिक्स, कोई अगर आपसे पूछेगा कि मैथमेटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ नंबर्स, यानी जो इसमें प्लांट्स जो इसकी होती है द स्टडी ऑफ नंबर्स की होती है। इन पार्ट बट यू आल्सो स्टडी फंक्शंस एंड लाइंस एंड ट्रेंगल्स एंड पैरेलो पाइप्स अपेयर्स ऑफ द वेक्टर्स एंड आर परहैप्स यू वांट टू से दैट मैथमेटिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ टूल्स दैट अलाउ यू टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। What sort problems? Okay. But the occasions are what mathematics is trying applying the concept of discrete to is definite above or the some math fundamentally or deals with stuff that is individually or the separate and distinct. यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि जो आपकी मैथमेटिक्स होता है ये लाइन्स पर, ट्रेंगल्स पर, फंक्शन पर और नंबर्स पर कई सारी चीज़ों क्या करता है, बताइए। बहुत ही कंसेप्चुअली मतलब कि ये काम करता है, उम्मीद को एकदम पूरे बरकरार बना के स्टफ बना के रखता है कि कोई दिक्कत आगे ना हो, ठीक है। इसी को पूरी तरीके से सेपरेट और डिस्टिंक्ट करके रखता है। अब आप आगे अगर आप जाओगे तो आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा यहाँ पर। बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ साइन अप कर रहा हूँ। इन एन अलजेब्रा ऑफ कैलकुलस क्लास यू माइट हैव फाउंड ए पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स, मे बी द सेट ऑफ नंबर्स इन द रेंज ऑफ फंक्शंस यू वुड रिप्रेजेंट दिस सेट इन ए इंटरवल, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक जाता है। अच्छी बात है, जब इसकी रेंज आप निकालोगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और सिंस द नंबर्स इज नॉट डिस्क्रीट, देखिए नंबर जो होता है वो कभी इज नॉट डिस्क्रीट होता है ना, आर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। द नंबर्स इज दिस सेट आर नॉट सेपरेटेड बाई मच एट ऑल, इन फैक्ट आई मीन टू नंबर्स इन दिस सेट एंड देयर आर इनफिनिटली ऑफ द मेनी मोर बिटवीन देम विच आर आल्सो इन दिस सेट। इसकी जो सेटिंग प्लान होती है ये आर आल्सो इन द सेट पर ही होता है, ऐसा डिसीजन इसमें बना के रखा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डिस्क्रीट मैथ वुड स्टिल आस्क अबाउट द रेंज ऑफ ए फंक्शंस बट दिस सेट वुड नॉट बी एन इंटरवल, कंसाइडर द फंक्शंस विच कीप्स द नंबर्स इज समथिंग लाइक 0 1 2 3, मे बी 4 इज देयर टू बट सर्टेनली देयर इज ए नोबडी रीडिंग ऑफ दैट इज हायर आप हैज 1.32419 चिल्ड्रेन। दिस आउटपुट सेट
इज डिस्क्रीट बिकॉज द एलिमेंट आर सेपरेट द इनपुट टू द फंक्शंस आल्सो फॉर्म ए डिस्क्रीट सेट बिकॉज इच इनपुट टू इंडिविजुअल ऑफ द फंक्शन. वन वे टू गॉट गेट ए फील ऑन द सब्जेक्ट व्हेन यू कंसीडर द टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू सॉल्व इन डिस्क्रीट मैथ. हेयर आर ए फ्यू सिंपल एग्जाम्पल. तो इसमें आपको कुछ सिंपल एग्जाम्पल भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 और etc. जो भी आपके नंबर है आप वहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो. ठीक है, और आगे जाने पर आपको एक चीज़ की और आपको मैं इफेक्टिव दिखाना चाहता हूँ कि जो इसका इन्वेस्टिगेट होता है, मतलब जो इसका खोजबीन होता है. नॉट थ्रू आउट ऑफ द नेस्ट यू विल सो इन्वेस्टिगेट ऑफ द एक्टिविटीज लाइक द वन आंसर क्वेश्चन इन दैट इज द बेस्ट यू कैन गो गिव योर सेल्फ फील ऑफ व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट. The most popular mathematician is the word of throwing a party of levels as a wheel of kick things off the side to reach things at hands, showing the alt and people on the party is shake hands with even other persons. यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कभी अपने पैर को इधर उधर करना या किसी तरीके से किकिंग करना या तो लात को फेंकना या तो नंबर्स की वेरीफाई करना एंड अदर मैनी हैंडशेक टेक प्लेस जो होता है, इस सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना. ये सब भी चीज़ किस पर आता है बताओ यार, डिस्क्रीट मैथ पे आता है. ओके, अब आप ये चीज़ गेस भी कर रहे होंगे जहाँ तक कि मेरी उम्मीद है. एट द वार एट इवेंट ऑफ योर सियर द स्टार हॉट डॉग्स ईटिंग्स कॉन्टेस्ट एट लास्ट वन ऑफ हॉट डॉग द बॉब एंड सॉफ बाई द ईटिंग 3 हॉट डॉग्स नॉट टू बी आउट डन आउट कैरली एट 5 At this time, the previous constant of the how many dog did Chano 26th and the final constant of the it how many hot dogs were each altogether. ठीक है, after just a week you finally arrived the burials of the chamber. The room is empty except in the two large chests of on each of the card of the message strangely in English. If this chest is the empty, then the other chest the message is true. This chest is filled with treasure of the other chest contentedly scorpions. You need exactly one of these messages true. What should you do? Okay? आप यहाँ तक इसकी कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. आगे आप देखने का प्रयास करिए. Back in the days of you, five small town decided the wanted to world roles. Directly connecting up the pairs of towns and the while we had the plenty of money to build roads each long the roads not in tracks of which other way stop sign had not been invented. Also tunnels with bright were not allowed. It is possible for each of these towns to build up the road to each of the four other towns without creating any intersections. I also repeated these questions. Attempt the above activity from preceding. So the one reason it is difficult to define discrete math is that it is very broad. कैसा होता है भाई, बहुत ही broad होता है. जैसे कोई कहता नहीं कि इसकी जो section है या तो ये पूरी तरीके से broad है. तो one reason it is difficult to define discrete math is that it is very broad. Descriptions which are in sculptures of the large numbers of subject in this course. I also repeated it. We will study four main topics or the communicators of the theory of ways things of the combine, in particular how to count each way sequence, symbolic logic and graph theory. However, there are other topics that belong under the discrete umbrella, including computer science, abstract algebra, a number theory, game theory, probability and the geometry. Some of these, particularly the last two, have both discrete and non-discrete variant. Ultimately, the best way to learn what discrete math is about is to do it. Let us get started before we can begin answering. But we are the complicated of the advanced problems. We must lay down some foundations. We start by reviewing such mathematical statements, sets and functions in the framework of discrete mathematics. I also repeated Vina. Mathematical statement investigate. While walking through evenings in a forest, we encounter three trolls at the guardian of the bridge. He appears each night of jewels and tells the truth. Are a name, he also lies. The trolls will not let you pass.
until we correctly identify each of the grand united phenomena of stroll make a single statement. भाई जब आप जंगल में जाते हो, वॉकिंग करते हो या तो फिर टहलते हो, तो आपने वहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया. इन्वेस्टिगेट का मतलब ये होता है कि आपने वहाँ पर क्या किया, छानबीन किया, और आपने वहाँ पर देखा कि जो वहाँ की खड़खड़ाहट है. आप जैसे जंगल में एंट्री करेंगे, तो एंट्री करने के बाद जो आपके जंगल में जब आप घुसेंगे तो जो आवाज़ें आती हैं पैर की, या तो किसी तरीके से या तो वह झूठी हो सकती हैं या तो पूरी तरीके से सत्य हो सकती. आप इस पर दो तरीके की बातें का ट्रोल बना सकते हैं. ट्रोल का मतलब होता है कोई एक हेडिंग उठा करके उस पर ज़्यादा ट्रोलिंग कर देना, तो बहुत ज़्यादा बोल बोल देना, या तो उस पर कई तरीके की गलती निकाल देना, तो उसे ट्रोलिंग लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि ये सब चीज़ क्या है बताइए. ट्रोलिंग पर ऐसा डिसीजन है, ठीक. तो पूरी तरीके से ये होता है ट्रोलिंग. जैसे ट्रोलीफाई यू हैव ऑफ्टन आर चेकली टू नाइट हेयर, ट्रोल टू इच लाइन. जैसे ट्रोल फर्स्ट क्या हो सकता है, जैसे कोई एक बंदा आपके बारे में या तो कई तरीके के मतलब जो आपको डिस्ट्रैक्शन मतलब कि यूज किया कि आप इस तरीके के हैं, या तो आपने इस तरीके का एक मेथड को स्टार्टिंग किया, तो उस पर परहैप्स किया, तो वो सब चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि अटेम्प्ट द एबव एक्टिविटी बिफोर प्रोसीडिंग. और जो इसकी डू मैथमेटिक्स है, वी मस्ट बी एबल टू टॉक एंड राइट अबाउट मैथमेटिक्स परहैप्स योर एक्सपीरियंस विथ मैथमेटिक्स सो फार हैज ए मोस्टली इन्वॉल्व आर द फाइंडिंग आंसर इट प्रॉब्लम. ऐसा कंडीशन यहाँ पर हो सकता है, ठीक. ई स्टेटमेंट इच, अगर आप एटॉमिक, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने में एटॉमिक आज जो आपकी एंड मॉलिकुलर जो आपकी स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट इच ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आयर आर ट्रू एंड फाल्स. या तो यह ट्रू होगा या तो यह फाल्स होगा. देखिए डिक्लेयर, आप जब कोई डिस्कस करते हैं, जब किसी से आप कुछ बोलते हैं, तो वहाँ पे जो आपका मैटर निकल के आता है वो जो होता है या तो ट्रू होगा या तो फाल्स होगा. दो ही बातें आती हैं, तीसरी बात ही तो बीच में आएगी नहीं, ठीक है. तो बंदा आपसे पूछेगा क्यों, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए द स्टेटमेंट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू एंड फाल्स. ए स्टेटमेंट एटॉमिक इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू स्मॉलर स्टेटमेंट अदरवाइज इज कॉल्ड मॉलिकुलर. इसे हम आराम से मॉलिकुलर बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी हो, लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं बताइए, मॉलिकुलर बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ क्या है बताइए, मॉलिकुलर है कि नहीं है, ठीक है. तो अगर ये चीज़ अगर आपकी मॉलिकुलर है तो आप ये चीज़ पूरी उम्मीद लगा सकते हैं मॉलिकुलर का मीन होता क्या है, ठीक है. अब मॉलिकुलर का जो आपका मीन होगा, जब आप उसे समझेंगे कि हाँ ये सब चीज़ है क्या, तब अच्छे तरीके से समझ जाएंगे मॉलिकुलर मीन आपकी मेन जो आपकी हेडिंग है वो इस तरीके से रिलेटेड में काम करती है, ठीक है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक. अब बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे अच्छा एग्जांपल हो भी नहीं सकता है, क्योंकि दीज आर स्टेटमेंट इज फैक्ट एटॉमिक स्टेटमेंट. टेलीफोन नंबर से दी वस्से हैव 10 डिजिट, जो वस्से का जो टेलीफोन नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है, ठीक है. अब बताइए ये बात सत्य है कि असत्य है, या तो ट्रू एंड फॉल्स. तो आप बोल सकते हो कि ये ट्रू भी है फॉल्स भी है, क्योंकि वहाँ पे कोई ट्राई नहीं किया है. हम लोग की जो ये मोबाइल फ़ोन्स की नंबर होती है 10 डिजिट की होती है, और वैसे भी इंडिया की थी, वैसे का कुछ और भी हो सकता है, ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो. तो ये चीज़ क्या होती है, ये स्टेटमेंट है. अब चाहे डिक्लेरेटिव हो चाहे आपका री डिक्लेरेटिव हो, दोनों बातें आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर. जैसे द मून इज मेड ऑफ चीज, जो चंद्रमा है वो पनीर से बना हुआ है, ये कहाँ की बात हो गई यार. कोई कैसे कह देगा चंद्रमा पनीर से बना हुआ है, तो बात ही निराली हो जाएगी, ठीक है. तो ये सब सारी जो बातें हैं ये सब एक दूसरे के कैसे हैं बताइए, अपोजिट है, यानी डिफरेंट वे है, रास्ता ही गलत वो भटक गया. द मून इज मेड फ्रॉम चीज, तो भाई मेड ऑफ चीज तो नहीं है, और वे जो उसके बनने की जो बनावट है वो स्कल्पचर से किसी तरीके से ये कंकड़ बालू ईंट पत्थर कोई देखा थोड़ी नहीं, वो तो खुद का एक बहुत बड़ी बात है. उसको समझने में क्या कैसे कैसे हुआ. एवरी इवन नंबर ग्रेटर दैन टू, जो जितने भी एवरी इवन नंबर होते हैं वो ग्रेटर दैन टू होते हैं, तो भैया इस बात पर तो बनता है लाइक ठोकना, ठीक है. क्योंकि यहाँ पर एक बेस्ट एकदम
म्यूजिकली आ जाता है अंदर में कि ये चीज कहना क्या चाहता है आपसे। टू कैन बी एक्सप्रेस एट द सम ऑफ टू प्राइम्स, इसमें एक एक्सप्रेस करना पड़ता है और इसका जो सम ऑफ क्या होता है बताइए, टू पॉइंट्स में। ओके अब आप आगे देखिएगा तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ ही रही होगा कि आपका 3 + 7 की अगर मैं बात करूँ तो 12 जिंदगी में नहीं होता, क्योंकि 3 + 7 कितना होता है आपका, 10 होता है, और 10 = 12 इज नॉट पॉसिबल टू डिक्लेरेटिव पॉइंट, अंडरस्टैंड। तो आप इस बात को समझ सकते हो, एंड दीज आर नॉट स्टेटमेंट। वुड यू लाइक सम केक, क्या आप कोई एक केक को पसंद करते हो, तो आप निस्संदेह बोलिए, आप उस बात को लेकर के बोलेंगे कि वुड यू लाइक सम केक। अगली जो पॉइंट की बात होती है द सम ऑफ टू स्क्वायर, अब भाई द सम ऑफ टू स्क्वायर, जब आपने दो स्क्वायर को आपस में सम करेंगे तो रेक्टेंगल बनेगा, उम्मीद तो आप सोचो, 1 + 3 + 5 + 7 + 2n + 1, तो ऐसा नहीं है 2n + 2 फिर 1 + 3 फिर मैं 2 रखूँ 2 + 2 = 4 + 1 = 5, तो ऐसा डिक्लेरेटिव तो है नहीं। गो टू योर रूम, या तो आप अपने रूम में जाइए। तो यहाँ पर भी कुछ बातें आपकी मतलब यहाँ प्रेजेंटेशन में रख देता है ना, इसलिए इस तरीके की बातें यहाँ पर शोभा नहीं देता, ठीक है। 3 + x = 12, उम्मीद है कि यहाँ तक कि आपकी सारी मैटर समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही होगी, तो आपको होगी एकदम पूरी तरीके से समझ में आ रही है, बस आप समझाते हुए चलिए बस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे इसका पार्ट 2 कल के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है, तो मेरी पार्ट 2 वीडियो देखना ना भूलें, आपके डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स का, ठीक है। एक एक अंग्रेजी के एक एक स्टेटमेंट मैं आपको समझा के दे दिया हूँ, बाकी मिलेंगे हम अगले दिन, ठीक है, पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए अपने वाणी को विराम देता हूँ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।